नहीं ये दुश्मनी है, ये कराची के लोगों के साथ दुश्मनी है। वो बलिगाला पे क्यों नहीं बोलता है? रांझे पूरे बच्चों की रिहायशों को वहाँ पर लीज दी गई है और वहाँ पर कह दिया गया तमाम ग्रीन बेल्ट की रिहायशों को भी आज नोटिस जारी हुआ कि वहाँ पर कोर्ट में पेश हो। इस तरह थोड़ी होता है, सिर्फ ग्रीन बेल्ट को गिराने के का मकसद के इलेक्ट्रिक को सेव करना, के इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर जो पिटीशन क्या कल को कोई पिटीशन लगाने के लिए जाएगा वहाँ पर जाओ, पिटीशन लगाएगा वहाँ पर जाकर पिटीशन तोड़ने का ऑर्डर वहाँ पर के इलेक्ट्रिक की वजह से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनको गिराया जाए के इलेक्ट्रिक के दोनों को। उन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों ने इस तरह से किया, वहाँ पर लोग बाहर निकलने देते, वहाँ पर पानी लेने देते, ग्रीन बेल्ट के रहायशियों के लिए वहाँ पर बिल्डिंग को गिरने नहीं दूंगा। आओ शहीद गनी, देखो बिल्डिंग टूट रही है, कहा हो तुम इंतजारिया सुनो, खड़े हो जाओ, इन मशीनों के साथ खड़े हो। असेंबली में चीफ स्टेट में तकरीरें करते हो, जब बिल्डिंग टूटती है तो गायब हो जाते हो, आओ यहाँ खड़े हो हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नसला टावर पे। नसला टावर में पे आज आपसे कुछ देर पहले जो है वो जमायत इस्लामी और आबाद के जो चेयरमैन है मोहसिन शेखानी और लोग यहाँ नसला टावर के जो रहायशी थे वो पहुँचे थे और यहाँ पे जो काम था उनको कहा के बंद करें और हम जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जाएंगे। और इस हवाले से हाफिज़ नईम रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काम रुकवाने का कहा गया और थोड़ी देर के लिए ये मशीनें भी बंद कर दी गई नीचे के, लेकिन वहाँ से जो है वो इंतजामिया की जानब से गेट भी बंद कर दिए गए और सामने जो आप देख रहे हैं उसके बाद जो है दोबारा काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त ये कुछ हालात रहे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी काम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ वन के सीनियर रिपोर्टर तलत हुसैन साहब, इनसे पूछते हैं सर ये लोग आए थे, काम रुकवाया था, ये क्यों रुकवाया था? कि आप जो पहले फैसला आया था उस टाइम पे जो है उनको जो है कहा गया था कि रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की थी। अब अभी कुछ देर पहले जो है हाफिज़ नईम रहमान भी पहुँचे थे, ये आबाद के लोग भी पहुँचे थे काम रुकवाने के लिए, आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये तो कोर्ट के तो ऑर्डर हैं, आप उनको तो वो नहीं कर सकते कि कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इसे तोड़ा जाए तो वो तोड़ेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या इससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं होती रही हैं? होनी चाहिए। और ये काम जो है इस तरह अब रुकवाया नहीं जा सकता, जो ऑर्डर हो गए वो हो गए। अब इन्होंने जैसे कहा कि कल हम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जाएंगे, लोग हमारे साथ चलें और जो यहाँ रहने वाले जो रहायशी थे वो भी यहाँ आए हुए हैं, तो अब फ़ायदा नहीं है। देखिए तोड़फोड़ का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि या तो चीफ जस्टिस से जाके ये कहना चाहिए कि कराची में उनको सिर्फ एक यही एक बिल्डिंग है ऐसी कि जो नज़र आई है, क्या और जो हैं वो इनलीगल बिल्डिंग्स नहीं है? इतना ज़ोर इसी बिल्डिंग के ऊपर क्यों दिया जा रहा है? सवाल तो ये है। अब ये जो इसके हवाले से जो कुछ भी चीज़ें कोर्ट के पास थी, कोर्ट ने उनके ऊपर कितना अमल दरामद किया, कितना नहीं किया, जिस तरह हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि हम कल जाएंगे, कल जाके बात करेंगे, तो किससे बात करेंगे? वो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, तोड़फोड़ का अमल जारी है, अब किससे बात करनी है? तो अगर ये प्रेशराइज इस तरह से करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसला जो है वो तब्दील हो सकता। अगर इस फैसले में कोई बात हो सकती होती तो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट डिले करती रही है, आपने कल नहीं देखा कि सूबाई वजीर एक ने कहा है कि भाई मैं तोड़ूंगा नहीं बिल्डिंगे, हाँ मैं अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा, मैं साइड हो जाऊँगा, लेकिन मैं बिल्डिंगे जो है ना वो नहीं तोड़ूंगा। तो देखो उसकी कितनी बड़ी बात है कि उसने ये कहा, हालाँकि जितनी भी कराची के अंदर जो बिल्डिंगे बन रही उनके सरपरस्त तो वही हैं, वही सिंध गवर्नमेंट सरपरस्त है, और वही ये कह रही कि जो बनी है हम उनको तोड़ेंगे नहीं और हम अपनी वजारत से ला देंगे। भाई आपने खा कमा लिया, जो नुकसान तो गरीबों का है ना, किसी आम का थोड़ा ही, कोई गरीब आदमी उसने दो दो चार चार दस दस रुपये किस तरह जमा करके उसने अपनी जमा पूंजी से ये मकान लिया? जी तो उससे पूछे ना, ये सामने बैठी हुई ना खवातीन, आप उनसे जाके पूछें उनके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है जिनके ये घर टूट रहे हैं। हमें, मैं और आप तो देख के 10 मिनट के बाद चले जाएंगे, लेकिन उनसे पूछें जिनके जो घर जो हैं वो टूट रहे हैं। ये सिर्फ तिफल तसल्लियाँ हैं, कोई वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकता। अगर ये होना होता तो चीफ जस्टिस जो है जिस तरह से पहले लोगों ने जाके कहा है, ये रुक जाता काम। अब ये कहा जाए जी काम रुकवा देंगे, अब नहीं रुकता। जी नाज़रीन, ये आपने तलत भाई की बात सुनी कि काम जो है वो पहले रुक सकता था लेकिन अब शुरू हो गया है,
کیونکہ پچھلی سماعت میں بھی کہا تھا اس وقت جو ہے وہ خواتین جو آپ کو رہائشوں جو خواتین ہیں یہاں کے رہائش پذیر وہ سامنے موجود ہیں یہاں پورا اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر میرے کیمرہ میں اس طرف جو ہے خواتین یہ پیچھے جو ہے وہ بلڈر ایسوسی ایشن کے لوگ محسن شیخانی سب یہاں جمع ہیں اور آج پوری جتنی بھی جو عمل ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے انہوں نے رکاوٹ کی کوشش کی کہ جو کام ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکوایا جائے لیکن پولیس کی جانب سے اندر داخل نہیں ہوا انہیں دیا گیا اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کام جاری ہے جی